अस्सलाम वालेकुम। अब हम सेकेंड ईयर की जो न्यू बुक है डेरिवेटिव के हवाले से हम लोग चैप्टर कर रहे थे, तो अब मैं चला गया चैप्टर जो है ना चैप्टर नंबर 3 पर ही हूँ, एक्सरसाइज 3.6 पर। हम लोगों ने 3.3 कर ली, 3.4 कर लिया, 3.5 कर लिया, अब 3.6 ये लास्ट फंक्शन है आपके पास, और ये हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन है। ये सारे फार्मूले मैंने लिख दिए हाइपरबोलिक फंक्शन के हवाले से कि अगर हम साइन हाइपरबोलिक एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट आएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स, टेन हाइपरबोलिक एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, और कॉट हाइपरबोलिक एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, और सेक हाइपरबोलिक एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा माइनस सेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू टेन हाइपरबोलिक एक्स, और कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट आएगा माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉट हाइपरबोलिक। ये फॉर्मूले भी हैं। अब हाइपरबोलिक इन्वर्स फंक्शन है, ये इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे ये रिजल्ट आ जाएगा वन ओवर अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स को हम डिफरेंशिएट करेंगे रिजल्ट आ जाएगा वन ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, वहाँ वन प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वन है, टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स को करेंगे रिजल्ट आ जाएगा वन ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे रिजल्ट आ जाएगा माइनस वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। बुक में इसका फॉर्मूला गलत गिवन है, तो ये हम ड्राइव करेंगे तो यही आएगा, कॉसेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे रिजल्ट आ जाएगा माइनस वन ओवर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, और सेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे रिजल्ट आ जाएगा माइनस वन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले, ये क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट नंबर वन है जिसमें कह रहा है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फंक्शन अगेन किसी के इक्वल नहीं दिया। अब आप चाहें तो इसे लेट करके इक्वल कर लें और फिर इसे कर लें या डायरेक्ट वे में कर लें। हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने डायरेक्ट वे में किया था, फंक्शन इक्वल नहीं दिया हुआ था, तो यहाँ भी हम डायरेक्ट वे में ही करेंगे। साइन का डेरिवेटिव वहां लिखा हुआ है कॉस हाइपरबोलिक, और एंगल ये है इसका, अब एंगल को करेंगे, एंगल लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे, कॉस हाइपरबोलिक लॉग को करेंगे, लॉग का जो भी एंगल है अपॉन में, क्योंकि इस पर पावर नहीं है, अब एंगल को करेंगे। ये सारी चीजें आपको डायरेक्ट अब आनी चाहिए, क्योंकि आपके पास मैपिल कमांड से भी क्वेश्चन दिया हुआ है जो डायरेक्ट वे में होगा। ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स प्लस थ्री, इसको करेंगे हम, दोनों पर ऑपरेट होगा, एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे वन और इसका जीरो, इसको करेंगे वन और इसका जीरो, ये सारा का सारा वन से मल्टीप्लाई होगा, यही आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट वन। अब हम आते हैं पार्ट टू पे, क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट टू। मेरे पास स्पेस नहीं है, वहां फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने ताकि आप देखते भी रहें उसे, तो इस वजह से मैं इसी स्पेस में करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट टू। क्वेश्चन नंबर वन के पार्ट टू में वो कह रहा फंक्शन दिया हुआ है आपके पास साइन हाइपरबोलिक, एंगल दिया हुआ है ई रेस टू द पावर थ्री एक्स, अगेन हम डिफरेंशिएट करेंगे, हाइपरबोलिक फंक्शन है, साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक, जो एंगल है वो एज इट इज, अब एंगल को करेंगे, एंगल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को करेंगे एज इट इज, फर्दर हम उसके पावर को करेंगे, इसे पहले लिख दें, थ्री बाहर निकाल लेते हैं, एक्स को विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, ये वन आ जाएगा, थ्री वन से मल्टीप्लाई होगा थ्री, ये आ गया, ये आंसर आ गया। ये पार्ट नंबर टू था, पार्ट नंबर थ्री में दिया हुआ है कॉस हाइपरबोलिक टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स एंगल, मैं यहाँ कर रहा हूँ पार्ट नंबर थ्री, कॉस हाइपरबोलिक टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, डिफरेंशिएट करना है इसे, कॉस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव दिया हुआ है साइन हाइपरबोलिक
और एंगल जो है वो एज इट इज रहेगा। अब एंगल को करेंगे क्योंकि इस पर पावर नहीं था, 2x² + 3 साइन हाइपरबोलिक एंगल 2x² + 3 इसको करेंगे, 2 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x² पॉलिनोमियल फॉर्म है, साइन हाइपरबोलिक 2x² + 3 टू पावर को करेंगे 2x और बेस को करेंगे 1 आ जाएगा, ये कांस्टेंट है 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x साइन हाइपरबोलिक 2x² + 3 ये आंसर हो जाएगा। ये पार्ट नंबर 3 था, पार्ट नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 2 एंड 3 पार्ट 4। पार्ट नंबर 4 में दिया हुआ है हमारे पास 10 हाइपरबोलिक रूट एक्स डिवीजन फॉर्म में दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट कॉस हाइपरबोलिक एक्स। जाहिर सी बात है ये फॉर्म है, मैंने आपको बताया था कि फॉर्म आएगा तो पहले हम फॉर्मूला ऑपरेट करेंगे देन डिफरेंशिएट करेंगे, तो जो न्यूमरेटर में फंक्शन गिवन है वो कहलाएगा ये फर्स्ट और जो डिनोमिनेटर में फंक्शन गिवन है वो कहलाएगा सेकंड। तो डिवीजन का फार्मूला है सेकंड एज इट इज, सेकंड ये है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट ये है डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाई सेकेंड का होल स्क्वायर। ये तो एज इट इज रहेगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स, इसको करेंगे हम 10 को, 10 का डेरिवेटिव है वहां लिखा हुआ है आपके पास सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एंगल या एक्स रूट एक्स जो दिया हुआ, अब एंगल को करेंगे, एंगल एक्स होता तो नहीं करता मैं, 10 हाइपरबोलिक एक्स रूट एक्स इसको करेंगे पावर 1/2 और रूट में जो वैल्यू दी हुई है वो एज इट इज। अब हम पावर सॉरी बेस को करेंगे, बेस दिया हुआ है कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ये आ गया हमारे पास अंडर रूट, पहले इसे लिख लेते हैं सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट एक्स कॉस अंडर रूट कॉस हाइपरबोलिक एक्स और रूट एक्स को करेंगे वही रूट में दिया हुआ है पावर 1/2 रूट में जो वैल्यू दी हुई है इट इज, बेस को करेंगे 1 आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास 10 हाइपरबोलिक। ये डिवीजन भी था हमारे पास, मैंने लिखा नहीं, यहाँ लिख देता हूँ, इसका स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स, 10 हाइपरबोलिक रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट कॉस हाइपरबोलिक एक्स और कॉस को करेंगे आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स, एंगल को करने की ज़रूरत नहीं है और डिवीजन वाला एज इट इज चल रहा, इसे हम लिखेंगे सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट एक्स अंडर रूट कॉस हाइपरबोलिक एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स माइनस, ये आ गया साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू 10 हाइपरबोलिक रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट कॉस हाइपरबोलिक एक्स और इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाइंग करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स। मजीद ये सॉल्व वॉल्व नहीं हो रहा, अगर आप एलसीएम लेंगे तो कुछ भी सॉल्व नहीं होगा, मल्टीप्लाई हो गए बहुत ज़्यादा, ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, ये वहाँ रूट फॉर्म में ही रहेगा, लिहाजा हम इसी फॉर्म में इसे रख देते हैं, यही आंसर लिख देते हैं, वरना एलसीएम लेंगे तो ये जो है ना थोड़ा बहुत सॉल्व होगा, ये इससे जब जाके मल्टीप्लाई होगा तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स रूट कॉस हाइपरबोलिक से मल्टीप्लाई होगा रूट कैंसिल, बाकी सब अपनी जगह पे रहेंगे एज इट इज, तो लिहाजा इसी फॉर्म में हम लिखते हैं। ये पार्ट नंबर 4 था, पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 में दिया हुआ है 10 एक्सपोनेंशियल की पावर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5।
एक्स एंगल में दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल की पावर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, वही डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल है और ये इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है। पहले लिखें हम डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड्स तो नहीं है हमारे पास। टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर और एंगल ये दिया हुआ है। अब एंगल को करेंगे साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, एक्सपोनेंशियल को करेंगे एज इट इज आ जाएगा। अब एक्सपोनेंशियल के पावर को करेंगे ये एज इट इज साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, ये एज इट इज साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, और साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स को करेंगे तो दिया हुआ है फार्मूला 1/√1 + x² ये आंसर हो जाएगा। कुछ सॉल्व वॉल्व नहीं हो रहा है, तो इसी फॉर्म में आंसर लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 था। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 6 में कह रहा वो कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय सेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स डिवीजन में, ये लिखा हुआ है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय सेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएट करेंगे अगेन डिवीजन में। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डिवीजन या प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो पहले फॉर्मूला पुट होगा देन डिफरेंशिएट होगा। तो ये डिवीजन में लिख दें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये फंक्शन किसी के इक्वल नहीं दिया हुआ है लिहाजा हमने डायरेक्ट कर लिया। हम चाहें तो सपोज करके इक्वल ले सकते हैं किसी के और फिर डिफरेंशिएट करें। सेकेंड एज इट इज फार्मूला पुट कर रहा हूँ मैं, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डिवाइडेड बाई सेकेंड का होल स्क्वायर। ये एज इट इज रहेगा। साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है 1/√1 + एंगल का स्क्वायर, और एंगल एक्स एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स एज इट इज। सेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, फॉर्मूला लिखा हुआ है -1/√1 - एंगल का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, और एंगल को करेंगे 1 आ जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा। ये आ गया सेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई √1 + x² माइनस साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा x√1 - x² और ये डिवीजन में, इस डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा सेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। इसी फॉर्म में आंसर लिख दें, क्या सॉल्व करना है, इसे एलसीएम लेंगे, ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, कोई वैल्यू सेम नहीं है कि जो सॉल्व हो जाए उसमें से कुछ, इसी लिहाजा जो है ना हम इसी फॉर्म में आंसर लिख देंगे। ये पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 था, पार्ट 5 हम कर चुके हैं। अब पार्ट नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 7, कॉस हाइपरबोलिक एक्स कॉट हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7, कॉस हाइपरबोलिक एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉट हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट करना, ये प्रोडक्ट फॉर्म है, प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट एज इट इज, ये रहा फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये इसी तरह रहेगा।
कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला, वहां मैंने कहा था कि ये रॉन्ग दिया हुआ है बुक में, ये फॉर्मूला है माइनस वन ओवर वन प्लस एंगल का स्क्वायर, एंगल एक्स स्क्वायर है, प्लस कॉट हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर, बल्कि इनवर्स, सॉरी मैं गलत लिख रहा हूँ, इनवर्स नहीं है ये, कॉट हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला है कॉस हाइपरबोलिक एक्स, कॉट हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला है माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर, जो एंगल है वो लिख देंगे एक्स स्क्वायर। अब एंगल को करेंगे, ये इसी तरह रहेगा कॉट हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर, और कॉस को करेंगे, कॉस का डेरिवेटिव है साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये माइनस कॉस हाइपरबोलिक एक्स कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को करेंगे पावर, पावर में से वन निकाल देंगे, वन बच जाएगा, बेस को करेंगे वन आ जाएगा, कॉट हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक एक्स, इसे पहले लिख देते हैं, माइनस टू एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, प्लस कॉट हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक एक्स, कोई चीज़ भी सेम नहीं है, कॉमन नहीं आएगा, हम इसी फॉर्म में आंसर लिख देंगे। कन्वर्ट करने को बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है हमारे पास, वन प्लस कॉट हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर, तो हम इससे मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, फिर देन कॉमन आ जाएगा, तो ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमें वो कह रहा कि फाइंड डेरिवेटिव या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट एट, क्वेश्चन नंबर वन के पार्ट एट में वो कह रहा हमें साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू टेन हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर, इसी टाइप का है हमारे पास वन का पार्ट एट, साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू टेन हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर। अभी ये कॉट फॉर्म में दिया हुआ था, कॉस और कॉट फॉर्म में, अब उसने साइन और टेन फॉर्म में दिया, उसी टाइप का क्वेश्चन है, वही काम करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, टेन को डिफरेंशिएट करेंगे आ जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर, सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर, एंगल, एंगल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, अब एंगल को करेंगे, टेन हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर, एंगल पर स्क्वायर है साइन का कॉस हाइपरबोलिक एक्स, एंगल में एक्स है, एक्स को करने की ज़रूरत नहीं है, ये आ गया हमारे पास साइन हाइपरबोलिक एक्स सेक हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर, और इसको करेंगे एंगल को, तो आ जाएगा टू एक्स, और ये एज इट इज रहेगा, टेन हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक एक्स, तो ये टू एक्स पहले लिख दें, साइन हाइपरबोलिक एक्स सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर और एंगल का स्क्वायर, प्लस टेन हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ये आंसर हो जाएगा। हमें इसे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, हमें जस्ट वो कह रहा है डिफरेंशिएट कीजिए, वरना बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, फार्मूले भी बहुत सारे लिखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट नाइन लास्ट पार्ट है ये, क्वेश्चन नंबर वन का एक्सरसाइज 3.6 में चल रहा हूँ, फार्मूले सारे मैंने लिख दिए हाइपरबोलिक और इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के, ये दिया हुआ है लास्ट पार्ट नाइन, एल एन टेन हाइपरबोलिक एंगल दिया हुआ है इसका एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, क्वेश्चन नंबर वन लास्ट पार्ट पार्ट नाइन हमने डिफरेंशिएट करना है, ये वैसे फंक्शन लॉगरिथमिक है, उसका एंगल हाइपरबोलिक है, और इस हाइपरबोलिक का एंगल जो है ना पॉलिनोमियल है, तो हम उसी तरह ट्रीट करेंगे, लिखते हैं हम इसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टेन हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, किसी लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, जो भी फंक्शन है वो अपॉन में, अब हाइपरबोलिक इसके एंगल को करेंगे टेन हाइपरबोलिक
टेन का डेरिवेटिव लिखा हुआ है हमारे पास हाइपरबोलिक का। टेन का हाइपरबोलिक का होता है सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर। ये हाइपरबोलिक फंक्शन होगी, अब उसके एंगल को करेंगे, ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल की तरह ट्रीट होगा, इसे इस तरह लिख दें। इसे करेंगे, हर एक पर ऑपरेट कर दें, एक्स स्क्वायर एक्स पर, और ये कांस्टेंट है, हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, टेन हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1। इसको करेंगे पावर, 2 है, पावर में से 1 निकालेंगे, 1 बच जाएगा। इसको करेंगे एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट 1 आ जाएगा, और कांस्टेंट का 0 आ जाएगा। ये बच गया हमारे पास, ये पहले लिख दें 2x+2, चाहे तो इसमें से 2 कॉमन ले लें, 2x+1 डिवाइडेड बाई 10 हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, ये आंसर हो गया। अब इसे मजीद सॉल्व करना फजूल है, मैं सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर को लिख सकता हूँ जो है ना 1+10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, 10 को लिख सकता हूँ जो है ना 1/10 को कॉट लिख सकता हूँ, तो बहुत सारी कंडीशन बन सकती है। अगर बुक में पीछे आंसर उस तरह दिया हुआ है तो हमें डिफरेंशिएट करना था, हमने डिफरेंशिएट कर लिया, कुछ अगर थोड़ा बहुत सॉल्व होता है तो हम सॉल्व कर लेते हैं, वरना अदरवाइज हमारा मेन काम यहाँ पे डिफरेंशिएशन है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट कर रहा हूँ अब मैं, एक्सरसाइज 3.6। मैंने सिक्वेंस से सारे कर दिए, सिर्फ एक्स 3.1 और 3.2 के अलावा। अब मैं 3.1 और 2 पे आ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि 4 और 5 आपको करवा दूँ डेरिवेटिव के हवाले से, फिर हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल रूल और एबिनेशियो रूल रह जाएगा। और 3.1 में तो एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए दिया गया है, तो वो मैं जो है ना आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर जो है सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, इसमें कह रहा है कि डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। अब फंक्शन वाई के इक्वल दिया हुआ है, 2 का पार्ट 1, टू के पार्ट वन में हमारे पास क्वेश्चन गिवन है एक्स कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये दिया हुआ है। अब फंक्शन वाई के इक्वल उसने खुद दे दिया है, लिहाजा हम लिखेंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन नंबर 1 में फंक्शन किसी के इक्वल नहीं दिया हुआ था, डायरेक्ट हमने डिफरेंशिएट किया। मैंने कहा कि आपको बहुत सारे लोग जो है ना लेट करके भी करवाएंगे, कोई मसला नहीं, उस सारा भी हो जाएगा, तो डिफरेंशिएट करें हम, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स माइनस, इस पर भी ऑपरेट करेंगे। यहाँ फॉर्म गिवन है, ये पॉलिनोमियल है, ये इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन है, पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1, बेस को करेंगे कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है हमारे पास, 1/√ एंगल का स्क्वायर माइनस 1 या एक्स स्क्वायर माइनस 1, एंगल एक्स ही है, फर्दर हम एंगल को करेंगे, एंगल एक्स से करने की जरूरत नहीं है, ये इसी तरह रहेगा कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे 1 आ जाएगा, -1/√(x²-1), इसको हम ऑपरेट करेंगे दोनों पर, ये आ जाएगा एक्स डिवाइडेड बाई √(x²-1) प्लस कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स -1/√(x²-1), इसको करेंगे पावर, पावर में से 1 निकालेंगे, 1 बच जाएगा, और कांस्टेंट को करेंगे 0 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये बच गया एक्स √(x²-1) प्लस कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स माइनस 1/x, ये मल्टीप्लाई हो रहा 1 से डिवाइडेड बाई √(x²-1), ये दोनों सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर आ गया आपके पास। 2 का पार्ट 1 था, ये 2 का
पार्ट वन था, इसमें दो कंडीशन गिवन थी, एक में प्रोडक्ट फॉर्म गिवन था, एक इलॉन था। टू का पार्ट टू, टू का पार्ट टू ये दिया हुआ है। टू के पार्ट टू में हमारे पास क्वेश्चन वाई इज इक्वल टू एक्स टेन हाइपरबोलिक इनवर्स 3x दिया हुआ है। ये भी प्रोडक्ट फॉर्म है, एक पॉलिनोमियल है, एक इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन दिया हुआ है। तो वही प्रोडक्ट फॉर्म में फार्मूला अप्लाई होगा। मैंने आपको बताया कि जब भी फॉर्म गिवन हो पहले फार्मूला अप्लाई होगा, देन उसके बाद डिफरेंशिएट होगा। टेन हाइपरबोलिक इनवर्स 3x, फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। टेन हाइपरबोलिक इनवर्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है, वन अपॉन एंगल का स्क्वायर, एंगल दिया हुआ है 3x। अब एंगल को करेंगे, ये तो लिखा हुआ है टेन हाइपरबोलिक इनवर्स 3x, और इसको करेंगे तो कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे, वेरिएबल को करेंगे हम, ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 9x स्क्वायर। इसे भी इसी तरह करेंगे, 3 कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, x को करेंगे, ये आ जाएगा टेन हाइपरबोलिक इनवर्स 3x, और 3x को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं 3x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 9x स्क्वायर, यहाँ भी 3 आ गया, 3 × 10 हाइपरबोलिक इनवर्स 3x, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा एलसीएम ले लेंगे, ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, हमें ज़रूरत नहीं है हमारे जो काम है, क्योंकि सॉल्व नहीं होगा, यहाँ से बस वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, हमारा जो काम था वो हमने कर लिया। पार्ट नंबर 3, टू का पार्ट 3, टू के पार्ट 3 में हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, एल एन कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स वाई इज इक्वल टू एल एन कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, बल्कि यहाँ सी दिया हुआ है, फंक्शन इस फॉर्म में दिया हुआ है, एल एन कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक इनवर्स वाई इज इक्वल टू सी। हमें कह रहा है कि फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स, यानी ये कैलकुलेट करने के लिए कह रहा, आइए लिखें डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स वाई इक्वल टू डी वाई डी एक्स इंटू सी। ठीक है जी, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है और उसका एंगल इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है, ये डायरेक्ट इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है और ये कांस्टेंट है। लॉगरिथमिक फंक्शन को करेंगे वन अपॉन जो एंगल दिया हुआ है वो एज इट इज, फर्दर एंगल को करेंगे, साइन को करेंगे, साइन हाइपरबोलिक का हमारे पास गिवन है, हमारे पास वन ओवर अंडर रूट 1 प्लस एंगल का स्क्वायर। अब एंगल को करना है हमने, और ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, ये आ गया 1 ओवर कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, और कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स को करेंगे, लिखा हुआ है 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर माइनस 1, एंगल दिया हुआ है एक्स प्लस 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसे वहाँ ट्रांसफ़र कर दें, ये यही रह जाएगा 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, और इसे वहाँ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये डिवाइड हो रहा, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आंसर हो गया। सही है ना, वैसे हम पॉलिनोमियल फॉर्म वॉर्म अगर अलग हो तो पहले लिखते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बाद में लिखते हैं, ऐसा ना हो कि दोनों एंगल लगे हमें,
तो इसलिए जो है ना हम ज़रा सेपरेट करके लिखते हैं। खैर इस फॉर्म में भी चला जाएगा अगर आप सेपरेट करके लिख देंगे तो। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 था। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, ये दिया हुआ है। 2 के पार्ट 4 में क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो हमारे पास दिया हुआ है, वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स, एल एन वाई इज इक्वल टू एल एन लॉगरिथमिक फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस वन, बल्कि वन माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x tan हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। सही है जी। या ये यहाँ पे हम करते हैं, लिखते हैं डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये कांस्टेंट इसके साथ मल्टीपल में बाहर निकालना है और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ये प्रोडक्ट फॉर्म है, इसको करेंगे ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, वन अपॉन जो एंगल है वो लॉग का जो एंगल है अपॉन में उतार दिया। अब एंगल को करेंगे टू एज इट इज, इसको करेंगे फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये आ गया हमारे पास वन डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसको करेंगे वन और इसको करेंगे हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास प्लस टू माइनस, ये एज इट इज टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स को करेंगे, फॉर्मूला लिखा हुआ है वन ओवर वन माइनस एंगल का स्क्वायर एंगल एक्स है, फर्द एंगल को करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स है ये टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स एज इट इज, और एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे वन आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन का जीरो, और ये पोलिनोमियल फंक्शन है पावर को करेंगे टू एक्स, बेस को करेंगे वन प्लस टू। ये आ गया एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, ये यहाँ आ जाएगा माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, टू इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस टू एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये बच गया हमारे पास टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, ये हो गया हमारे पास। ये पार्ट नंबर 4 था। पार्ट नंबर 5, 2 का पार्ट 5, टू के पार्ट 5 में कह रहा वाई इज इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक इनवर्स और इसका एंगल दिया हुआ है टेन एक्स क्यूब। ठीक है जी, आइए करते हैं, वही लिखेंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि डी वाई ओवर डी एक्स निकालने के लिए कह रहा। हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन है, इलॉन है, ये फंक्शन है और ये उसका एंगल है, तो टेन हाइपरबोलिक इनवर्स का फॉर्मूला वहां लिखा हुआ है, वन माइनस वन अपॉन वन माइनस एंगल का स्क्वायर एंगल ये दिया हुआ है, अब एंगल को करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक की तरह ट्रीट करेंगे, टेन स्क्वायर आ जाएगा एक्स क्यूब, टेन को करेंगे टेन का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स क्यूब, अब एंगल को करेंगे एंगल एक्स क्यूब है, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्यूब। सही है, और ये आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर, पावर में से वन निकाल देंगे, बेस को करेंगे वन आएगा, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसी के इक्वल नहीं होता, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा के, लिहाजा ये दोनों ऐसे ही रह जाएंगे, थ्री एक्स स्क्वायर
sec स्क्वायर x क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स क्यूब, यह आंसर हो जाएगा। अगर ये प्लस होता तो मैं sec स्क्वायर एक्स क्यूब लिख देता, उससे ये कैंसिल हो जाता। तो 1, क्योंकि हमारे पास बेसिक फार्मूला ये है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये सब फर्स्ट ईयर में आप पढ़ के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6, पार्ट 5 था ये। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 6 ये दिया हुआ है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 6 में वाई दिया हुआ है, वाई इक्वल टू एक्स सेक हाइपरबोलिक इनवर्स रूट एक्स। वाई इज इक्वल टू एक्स सेक हाइपरबोलिक इनवर्स रूट एक्स, प्रोडक्ट फॉर्म है। पहले फार्मूला पुट होगा, देन डिफरेंशिएट होगा। लिख दिया मैंने डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। सेक हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला दिया हुआ है आपके पास, -1 अपॉन एंगल, एंगल दिया हुआ है रूट एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, 1 माइनस एंगल का स्क्वायर। ये आ गया इसका, अब एंगल को करेंगे, एंगल एक्स नहीं है, रूट में है वो, करना है सेक हाइपरबोलिक इनवर्स रूट एक्स, एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे 1। ये आ गया -x डिवाइडेड बाई रूट एक्स, और इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस x, रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे x आ जाएगा, और इस रूट एक्स को करेंगे तो 1/2 पावर, रूट का पावर 1/2, रूट में जो वैल्यू दी हुई है वही, और बेस चूंकि एक्स है एक्स को करेंगे 1 आ जाएगा। ये आ गया सेक हाइपरबोलिक इनवर्स रूट एक्स, 1 से मल्टीप्लाई होकर यही हो जाएगा -x। इस रूट एक्स को रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स हो जाएगा 2, पहले लिख देते हैं, और ये आ गया अंडर रूट 1 माइनस x, 1 से मल्टीप्लाई होकर ये आ गया प्लस सेक हाइपरबोलिक इनवर्स रूट एक्स, इस एक्स से ये एक्स कैंसिल, ये आ गया 1/2 रूट में 1 माइनस x प्लस सेक हाइपरबोलिक इनवर्स रूट एक्स, ये आंसर हो गया आपका। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 भी ख़त्म हो गया। हमने डेरिवेटिव के हवाले से इस पहले चैप्टर में, पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव के हवाले से हमारे पास इस बुक में 7 फंक्शन है। पहला फंक्शन पॉलिनोमियल था, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक था, तीसरा एक्सपोनेंशियल था, चौथा लॉगरिथमिक था, पांचवा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक था, छठा हाइपरबोलिक फंक्शन था, और सातवां इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन था। तो हाइपरबोलिक और इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन इस एक्सरसाइज में गिवन है 3.6 में। उससे प्रीवियस एक्सरसाइज में वो सारे फंक्शन हम कर चुके हैं। उसके अलावा हमारे पास 2 कैटेगरीज थी, जिसमें एक कॉन्स्टेंट की पावर वेरिएबल और एक वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वो भी हमने साथ साथ कर लिया। और एक और कैटेगरीज आती है चेन रूल के हवाले से, उस टाइप के भी जितने सवाल थे हमने कर लिए। तो डेरिवेटिव तकरीबन ऑलमोस्ट पूरी हो गई। अब अगली एक्सरसाइज में थोड़ी सी एप्लीकेशन